नमस्कार, मी नागेश गिरे, आपलं स्वागत करतो स्टार अपेक्स न्यूजमध्ये. आज काँग्रेसने भारत बंदची हाक दिल्यानंतर त्याला एक उपयुक्त प्रतिसाद अशा प्रत्येक पक्षातून, प्रत्येक स्तरातून आणि जनता बी त्या बंदमध्ये सामील होत आहे. आपल्या बुट्टीबुरी, आपण बुट्टीबुरी इथे तुळशी दोघ कारखान्यामध्ये आहोत. आजही बुट्टीबुरी मध्ये बघू शकता माझ्यासाठी पूर्ण दुकान लाईन जे पूर्ण बंद आहे. आणि आपल्यासोबत काही आम नागरिक, आपल्यासोबत आम जनता, आपल्यासोबत आपण त्यांना विचारू. मतलब मोदी सरकार 5 साल में, मोदी आपको ऐसा क्या लगता है कि मोदी सरकार 5 साल में क्या अच्छा लगे? अभी तो फिलहाल भी तो कुछ भी नहीं. एक तो रसोई गैस भी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिक का बिल भी महंगा हो गया है, सब चीज कामगारों को कम भी नहीं मिल रहा है सही ढंग से. ये तो सब चीजें दिख रही है. आपका क्या कहना है? हम लोग मोदी इसलिए आए कि वो महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, गरीब लोगों का ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये मोदी में शामिल होते. हे जे आम जनतेचे बोलणे होते, थोड्या वेळामध्ये सर्वपक्षीय हा मोर्चा इथून थेट बुट्टीबुरी चौकामध्ये जाणार आहे आणि इथे याचा समारोह होणार होता. बघत राहा स्टार अपेक्स न्यूज. आम्ही तुम्हाला थोड्या थोड्या वेळामध्ये मोर्चाची आणि बुट्टीबुरी बंदची अपडेट देत नाही. धन्यवाद. भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी ने एक 10 तारीख को भारत बंद का एक बिगुल फूंका, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी और बीएसपी और सभी पक्ष के लोग, प्रहार, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है. और आज देश में जो स्थिति है वो स्थिति ये बताती है कि हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. जहाँ की पिछले बार अगर 20 पैसे भी अगर से मनमोहन सिंह जी के सरकार में बढ़ते थे तो बीजेपी वाले सड़क पर उतरकर बड़े बड़े आंदोलन करते थे. और यही प्रधानमंत्री है, यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि सरकार की साख गिर रही है, पैसे की साख गिर रही है. लेकिन आज हर दिन 20 पैसे नहीं, कहीं 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, आज 90 रुपये के करीब पेट्रोल पहुंच गया है, 80 रुपये के करीब डीजल पहुंच गया है. और ये सरकार उस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. आज जो भारत बंद की जो स्थिति है, आज हम सब लोग टीवी पर देख रहे हैं कि हर तरफ सभी पक्ष के लोग, हमको तो लगता है कि बीजेपी वाले भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, कि जिसमें आज त्योहार का दिन रहने के बावजूद आज बुट्टीबुरी पूरी 100% बंद है. और हमारे सभी भाई लोग अपना त्यौहार छोड़कर यहाँ पर आए हैं. मैं सब लोगों का आभार मानता हूँ, सब व्यापारी संगठन का आभार मानता हूँ कि त्यौहार का दिन रहने के बावजूद लोगों को परेशानी है पेट्रोल की, डीजल की. आज हम देखते हैं कि एमएसईबी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल कम है लेकिन अधिभार इतना है कि वो भार ही नहीं सह पा रहा. यानी हम देखते हैं कि भाई एक गरीब आदमी जो सिर्फ 1000 रुपये का अगर बिल पहले भरता तो आज 4000 रुपये भर रहा है. 4000 रुपये उसने कैसे लाना चाहिए? 4000 का फिर गवर्नमेंट ने उसका इनकम भी बना के देना चाहिए था. लेकिन ये सरकार झूठी सरकार, जैसी अभी अहमद भाई ने बताया, राष्ट्रवादी के यहाँ के नेता है सुधीर देवतड़ी जी ने बताया, मनसे के किनकर जी ने बताया कि यहाँ पर जो उद्योग है वो उद्योग जो चालू थे जब से GST, नोटबंदी और ये पेट्रोल का अधिभार, इलेक्ट्रिक का, ये सब पूरे भार डालने के बाद आज इंडस्ट्री बंद के कगार पर है, कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं. तो हम इसका विरोध प्रकट करते हैं और ये सरकार पूरी तरह विफल हुई ऐसा हम लोग यहाँ पर निश्चित करते हैं. मोदी सरकार ने जो वादे किए थे जनता को और वो वादे के अंदर में उन्होंने जिस टाइप से मतलब आश्वासन दिया था कि एक बेरोजगारी का मुद्दा था कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं को काम देंगे, महंगाई कम करेंगे, तो आज की परिस्थिति ऐसी होगी कि पेट्रोल डीजल और गैस के भाव आसमान छू रहे हैं. जो गरीब जनता और एक कामगार पक्ष का जो मीडियम क्लास का आदमी है उसको जीना दूभर हो गया है. 40 हमारे जानकारी के हिसाब से 30 से 40 नोटबंदी के बाद में बुट्टीबुरी परिसर के कारखाने बंद हो गए और उसके अंदर में काम करने वाला कामगार आज बेरोजगार हो गया, जिसको अपना घर चलाना मुश्किल है, बाल बच्चों का शिक्षण वो पूरा नहीं कर सकता. ऐसी अवस्था के अंदर में ये सरकार ने जितने झूठे वादे किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, उसके निषेधार्थ हम लोगों ने आज ये मोर्चे का आयोजन किया. सब पक्ष ने आयोजन किया हुआ है, कांग्रेस को हमारा समर्थन. मैं
मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा संघटक बिजाराम किनकर. या भारतीय जनता पार्टीने जेव्हा सत्तेत आले होते तेव्हा पुष्कळ काही असे वादे केले होते जनतेसमोर की आम्ही हे करू ते करू, पण आजपर्यंत या सरकार सगळे खोटाळे वादे केले आहे आणि या खोटाळ्या वाद्याला आज काँग्रेसने जे समर्थन दिलं आहे बंद करायचं यांना, ते आम्ही बंद करायचं समर्थनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समर्थन करतो. आणि आमच्या राजसाहेबांनी जो पाठिंबा दिला आहे त्याला आम्ही भरपूर आमच्या पक्षाकडून आणि आमच्या कार्यकर्त्याकडून पूर्ण समर्थन राहील. भारत बंदचं जे काँग्रेस पक्षाने आव्हान केलेलं आहे, माननीय राहुलजी गांधी यांनी जे आव्हान दिलेलं आहे त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन आम्ही प्रॉपर बुटीबोरीमध्ये हा बंदचं आयोजन केलेलं आहे आणि याला सर्वांचं समर्थन आहे. नगर परिषद आहे, आता सर्व ठिकाणी ग्रामपंचायतीचे इलेक्शन लागले आहे, यांना ते लोकसभा विधानसभा नंतर आहे, हे इथूनच चढते, यांचे हौसले इथूनच बुलंद होते. ग्रामपंचायत आपला भरघोस पदाने निवडून आली भाजपा, नगर परिषदेचा भरघोस पदाने निवडून आली, तर त्यांना ही संधी देऊ नका. यावेळी यांना स्टार्टिंग पासून सुरुवातीपासून यांना खच्ची करायच्या काम, यांना धडा शिकवायचं काम करा.